नमस्कार दोस्तों, हकीन क्रो सॉफ्टटेक की प्रोग्रामिंग अप्रोचेज में मैं जी कृष्णा चौहान आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, अब हम देखेंगे कि किस तरह से हम टेम्परेचर को कन्वर्ट करते हैं, सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में, फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में। तो मतलब किस तरह से हम फॉर्मूले को अप्लाई करके इन दोनों को आपस में इंटरचेंज करते हैं सी प्रोग्रामिंग के थ्रू। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत ही संक्षेप में आपको बताऊंगा कि अपने को क्या करना है। अपने को पता होना चाहिए स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्रामिंग, अपने को पता होना चाहिए डेटा टाइप क्या होता है और फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होता है, और हम किस तरह से फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं ये भी हमको पता होना चाहिए। अगर आपको इन तीनों टॉपिक्स में कोई डाउट है तो आप हमारी प्रीवियस वीडियोज़ को देख सकते हैं, जिनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। सो फ्रेंड्स, काफ़ी आसान है हमारे प्रोग्राम को बनाने के लिए। सबसे पहले हमको हेडर फाइल्स इंक्लूड करानी होंगी, मेन फंक्शन लगाना होगा और लोकल वेरिएबल्स डिक्लेयर करने होंगे। लोकल वेरिएबल मैं यहाँ पर दो ही करूँगा, एक तो डिग्री सेंटीग्रेड के लिए और एक फ़ारेनहाइट के लिए। तो जो फ़ारेनहाइट होगा और डिग्री सेंटीग्रेड होगा उसके थ्रू ही हम इस प्रोग्राम को कन्फर्म कर लेंगे, क्लियर कर लेंगे। तो देखिए, मैंने यहाँ पर एक सी ले लिया और एफ ले लिया, एक सी ले लिया सेंटीग्रेड के लिए और एफ ले लिया फ़ारेनहाइट के लिए। और उसके बाद मैंने यूज़र से बोला एंटर द टेम्परेचर इन सेल्सियस, यानी कि जो भी टेम्परेचर होगा वो सेल्सियस में यूज़र एंटर करेगा और उसको स्कैन करा लिया। और आफ्टर द स्कैनिंग मैं यहाँ पर एक फार्मूला अप्लाई करने वाला हूँ, जो कि कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। फार्मूला काफ़ी सिंपल है, आप देख सकते हैं यहाँ पर 1.8 मल्टीप्लाई बाई सी प्लस 32, और उसके बाद उसको प्रिंट करा दिया। प्रिंट कराना भी काफ़ी सिंपल है, प्रिंट एफ मैंने टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट और उसको परसेंटाइल एफ के थ्रू रिप्रेजेंट कर दिया। और बस गेट सीएस लगा देता हूँ जिससे कि हमारी स्क्रीन होल्ड हो सके, और इसको कंपाइल और रन करा के देखते हैं। और कंपाइलेशन में कोई गलती नहीं है। उसके बाद मैं इसको रन कराता हूँ और ये रन हो गया। एंटर द टेम्परेचर इन सेल्सियस, माना मेरे को 34 सेल्सियस को पता करना है कि भाई इसका टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में कितना होता है। तो एंटर करने पर लिखा गया टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट इज़ 93.199। सो फ्रेंड्स, हमारे हर अलग इनपुट के लिए वो इक्वेलेंट फ़ारेनहाइट आउटपुट शो कर रहा है। तो ये था हमारा प्रोग्राम डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में चेंज करने का। सो फ्रेंड्स, हमने देखा कि किस तरह से डेटा टाइप और फॉर्मेट स्पेसिफायर का हमने यूज़ किया इस प्रोग्राम में, और किस तरह से यूज़र से वैल्यू ली स्कैन करा के, स्कैन एफ करके हमने यूज़र से वैल्यू ली है और उसके बाद फंक्शन या फार्मूला यूज़ कराए, और फाइनली हमने जो भी हमारे फार्मूले का आउटपुट आया उसको किसी ना किसी वेरिएबल में स्टोर कराने के बाद उसको प्रिंट करा दिया। तो इस तरह से हमारा ये आज का प्रोग्राम था। सो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक हिट कीजिए। आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर अभी तक भी आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मैं आपको इसी तरह का स्टेप प्रोवाइड कराता रहूं। और अगर आपको डाउट है, कुछ भी डाउट है इस प्रोग्राम के रिगार्डिंग और अदर प्रोग्राम्स के रिगार्डिंग भी, या फिर कोई ऐसा प्रोग्राम है जिसकी आपको वीडियो चाहिए मेरे से, तो आप हमको कमेंट करके बोल सकते हैं। तो ये मैं था जी कृष्णा चौहान, थैंक्स फॉर वॉचिंग।